माशाल्लाह, मेरी पैदाइश से तो पहले ही है। कोई भी अगर आप लोगों के साथ मस्ती करे ना तो लेके यहाँ पे इसको दो चार ऐसे मुक्के लगाए ना। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं हूँ आपका अपना हसन बलोच। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प है, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कीजिएगा लाइक और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जी तो दोस्तों, अभी हम आए यहाँ पे मंडी में, यहाँ पे गाड़ियों की मंडी लगती है। ये सारे लोग, ये देखिए गाड़ियाँ लोग ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। ये लोगों की चीख चिल्लाना, ये देखिए जी, ये मेरे कज़न है दोनों, हम आए गाड़ी लेने यहाँ पे। ये गाड़ी ये बेचने के लिए, लेने के लिए, ये मंडी है गाड़ियों की। एक से बढ़कर एक व्यापारी यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान में भेड़ बकरियां बिकती है ना मार्केट में, यहाँ पे गाड़ी ऐसे बिकती है। और भी बहुत कुछ आप लोगों को दिखाएंगे अपने ब्लॉग में, और हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और ये बच्चा अपना कारोबार कर रहा है यहाँ पे, बेचारा बिस्किट वगैरह बेच रहा है। दोस्तों कोई भी अगर आप लोगों के साथ मस्ती करे ना तो लेके यहाँ पे इसको दो चार ऐसे मुक्के लगाए ना, खुद ही ठीक हो जाएगा फिर। जी दोस्तों, ये है एक पुरानी, बहुत बहुत पुरानी मस्जिद है हैया फैसलिया में, और ये मस्जिद के साथ साथ म्यूज़ियम भी है। ये उस दौर की शाहकार है, माशाल्लाह देख ले, अभी तक उसी हालत में मौजूद है। ये किसका गेट है, बिल्कुल जिस तरह पुराने दौर में किले बनाए जाते थे। और ये उसकी आप देख सकें तो ऊपर है थोड़ी बारादरी नमूने। और इसके तकरीबन यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, द म्यूज़ियम वाज फाउंडेड 14 ईयर्स अगो, ये आप देख सकते हैं 40 साल पहले इसको देखा गया। ए मस्त देना, ये मिट्टी के बने हुए चीज़ें कितनी खूबसूरती और कितनी बारीकी के साथ इनको बनाया गया है। अगर मैं आप लोगों को ऐसे म्यूज़ियम जूम करके दिखाऊं तो आप लोग ऐसे ही समझेंगे किसी में किला में मौजूद हूँ, और ये किसी गांव का मंजर है। माशाल्लाह क्या इन लोगों ने तख्लीक की है इसकी, किस तरह खूबसूरती के साथ इन लोगों ने इसको बनाया, बिल्कुल वही जिस तरह पुराने ज़माने में जैसे ईंट के और पत्थर के घर हुआ करते थे पहाड़ों पर, बिल्कुल उसी तरह। माशाल्लाह, ये देखने में आप लोगों को शायद इतने आसान लगे होंगे, लेकिन इनके बनाने में लोगों ने कितनी मेहनत की होगी वो तो उनको पता है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। कभी अगर आप लोगों का जद्दा आना हो तो ये म्यूज़ियम ज़रूर देखिएगा। ये है हैया फैसलिया में, किसी से भी पूछिएगा तो वो आप लोगों को इस मस्जिद के साथ साथ ये म्यूज़ियम भी दिखाएँगे। और ये म्यूज़ियम का है दूसरा गेट, वेरी नाइस। अल तैबाद सिटी म्यूज़ियम फॉर इंटरनेशनल सिविलाइजेशन, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा। तो यहाँ से ये शुरू होती है मस्जिद, उस कॉर्नर से शुरू होकर यहाँ पे ये मस्जिद होती है, एंड ये जो एरिया है ये मस्जिद का है।
इसी कॉर्नर पे आप समझ गए होंगे, ये तो इमाम मस्जिद जहाँ पे खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। ये उसकी एंट्री है बाहर से, ये उसका सामने गेट है, और ये एक और दिलकश बैतल मुकद्दस का नक्शा यहाँ पे लोगों ने बनाया है। और ये और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मुझे याद नहीं आ रही, हमारी देखी हुई नहीं है, उन लोगों ने इसकी अक्कासी की है। ये मस्जिद नबवी की अक्कासी उन लोगों ने की है, और आई थिंक मेरे ख्याल में ये वाला जो है, ये वाला ये किला खैबर है शायद, वाओ अमेजिंग, वेरी वेरी नाइस। और ये जितने भी कैबिनेट बने हुए हैं ये चप्पल वगैरह रखने के लिए, ये मस्जिद का गेट है, और यहाँ से ये मस्जिद की एंट्री होती है। ये मस्जिद का सहन है माशाल्लाह, देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी मस्जिद है, बहुत ही पुरानी। माशाल्लाह, मेरी पैदाइश से तो पहले ही है। और इसके साथ साथ इस तरफ जब अगर हम निकलेंगे गेट से राइट हैंड पे, तो यहाँ पे बहुत ही पुराने ज़माने के इन लोगों ने कुतुब खाना, लाइब्रेरी, सब कुछ यहाँ से शुरू होता है आखिर कॉर्नर तक जाता है, और म्यूज़ियम भी इसी के साथ ही पीछे बना हुआ है। सामने मस्जिद है और इसके पीछे जो है ना वो म्यूज़ियम इन लोगों ने बना के रखा है, जैसे सऊदी की बहुत सारी, ये म्यूज़ियम का गेट यहाँ से भी है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें उन लोगों ने यहाँ पर महफूज करके रखी हैं अपने तारीखी चीज़ें। तो इंशाल्लाह और भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे अपने व्लॉग में। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, आगे आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं इस वीडियो में देखिएगा जी। तो दोस्तों, ये हम सऊदी अरब जद्दा में दोस्त एक अपने कमरे को डिकोर कर रहा है, ये लेके आए बाहर से, कहते हैं इससे खूबसूरती बढ़ जाएगी। कृपया करें अबू बकर, हाँ ये तो घिने बाहर हूँ में ये मिले ना 150 माशाल्लाह। मैं को लगता है तू सजे कमरे चढ़ने से या बस ए सिर्फ दू साइड में खाना दोस्त संगत आसन जुमे थे पीछे वो वोट डेसन सलाह मशवरा कर पीछे करे सा, अगर सही लगने पे तो पीछे करे सा, गिने सा ना तो पीछे अल्लाह खैर करे। ए दोस्त, ये अभी बना रहा है, ये देखो यार, आप लोग बताएं कि कैसे लग रहे हैं। मेरे ख्याल तो चंगे लगते ने, हाँ ये जड़ा साइड ते इतने उत्ते लगा जड़ा वो साइड ते लग सी ए जगह ते माशाल्लाह जबरदस्त है। बड़ी कार है कश गया ना, क्यों इतना साइड ते थीवन खपे, हाँ मसला कोई नहीं, तुम लाओ ये असला दोस्त इतने बैठे छुरी चाती बैठे शायद के को कोस सी पते मरे सी जी। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने गांव दिखाया था, उसी का एक बिल्डिंग यहाँ पे लेके आया हूँ मैं, बहुत सारी उसकी बिल्डिंग है वो सामने, ये सब कुछ एक बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग मेरे साथ ही है, एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है, और आपको दिखाते हैं कि ये अभी लेके आए हैं और आगे भी सब कुछ लेके आएंगे, फिर आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अभी जिस रेस्टोरेंट पे हम ये खाना खा रहे हैं, तो ये है यमन का मतम, नाम है अदन, असली अरबों का है, असली बिल्कुल, ये चावल और ये इसके साथ शोरबा है, ये है और ये है और वो हमारी बेबसी रही, और ये है शत्ता जिसे कहते हैं। तो इसी बात के साथ वीडियो का करते हैं इख्तिताम। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं हमारा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो कीजिएगा लाइक और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इंशाल्लाह आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो, आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने व्लॉग का करते हैं एंड और एंजॉय करते हैं हम खाना, और आप लोग ये थोड़ा सा मंजर देख लें। Close till I get up.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.